वडोदरा रेलवे स्टेशन पर तमिल सौराष्ट्र संगम रेल यात्रा का आज वडोदरा शहर भाजपा सहित जिला कलेक्टर द्वारा भव्य स्वागत सत्कार करते हुए यात्रियों का अभिवादन करने के साथ बाद ये ट्रेन को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए रवाना किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को मनाने के तहत तमिल संगम यात्रियों का आज स्वागत सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है कि गुजरात राज्य सरकार द्वारा 21 से 30 अप्रैल के दौरान सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें सालों के बाद तमाम तमिलनाडु में बस चुके वैसे मूल गुजराती लोगों को वापस लाते हुए फिलहाल गुजरात दर्शन करवाने का आयोजन किया है। सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा का आज वडोदरा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तमाम यात्री का वडोदरा शहर भाजपा द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया, जो ये कार्यक्रम के तहत वडोदरा के जिला कलेक्टर अतुल गौड़ सहित सांसद रंजन बेन भट्ट, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी सहित रेलवे डीआरएम जितेंद्र कुमार सिंह तथा तमाम होद्देदार उपस्थित रहे थे, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत तमिल संगम यात्रियों का अभिवादन करते हुए तमाम को गुजरात टूरिज्म टूर द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आगे बढ़ाया गया। तमिल संगम के साथ तमाम यात्रियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी शुक्रिया अदा किया गया। उसी के साथ सीएम भूपेंद्र पटेल का भी तमाम यात्रियों ने शुक्रिया अदा करते हुए भारी तादाद में आज तमाम तमिलनाडु से आए वैसे मेहमान लोगों द्वारा आज तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए बाद ये सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आगे बढ़ाया गया था। तमिल संगम अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत नो माननीय प्रधानमंत्री श्री ना मार्गदर्शन अंतर्गत जे कार्यक्रम नो आयोजन थयुं एमा तमिल थी आवेला मित्रोए सोमनाथ अने द्वारकानो यात्राधामोनी मुलाकात करी कार्यक्रमों में भाग लीधो। हवे आजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तरफ एमने प्रस्थान करी रह्या छे। ए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जशे अने आवती काले परत मदुराई तरफ एमा स्पेशल ट्रेन में जशे। आजे तमिल संगमना प्रसंग निमित्ते आशरे 400 वर्षथी तमिलनाडु ने पोतानुं घर बनावी चूकेला आपणा गुजराती बंधुओं જ્યારે ગુજરાતની વિઝિટ કરી રહ્યા છે, સોમનાથ મહાદેવની મુલાકાત પૂરી કરીને હવે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે એમનું વડોદરામાં સ્વાગત કરતા ખૂબ ખૂબ ગર્વ અનુભવું છું। મને મારું વતન યાદ આવે છે, કેમકે આજથી 70 વર્ષ પહેલાં મારા પિતાએ તમિલનાડુ છોડીને ગુજરાતનું પોતાનું વતન બનાવ્યું હતું અને આ લોકો આશરે 400 વર્ષોથી ગુજરાત છોડીને તમિલનાડુને પોતાનું વતન બનાવીને બેઠા છે, ત્યાં પ્રોસ્પરિટી શોધી છે। અને જ્યારે હવે નરેન્દ્રભાઈ કહે છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, ગુજરાત તમિલનાડુ શું સમગ્ર દેશ સમગ્ર વિશ્વને એક બનાવવાનો જ્યારે સંદેશ લઈને આપણે નીકળ્યા છે, ત્યારે આ ખૂબ જ શુભ પ્રસંગ છે। અત્રે આવેલાઓને સર્વે મારા તમિલ ભાઈ બંધુઓને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ખૂબ જ સરસ મુલાકાત થાય અને આ એક વિશ્વની અજાયબી જે નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતને આપી છે એ જોઈને એ લોકો ખૂબ ખૂબ ખુશ થાય અને ત્યાંથી પ્રકૃતિને મહાણે અને પરત આવે। ખૂબ ખૂબ આભાર ભાઈ સાહેબ, નમસ્કાર। હમ મદ્રાસ સે આ રહા હું। ફર્સ્ટ હમ સોમનાથ દેખને કે પહેલે દ્વારકા, વો દ્વારકા મેં અચ્છા દર્શન હો ગયા। હમ ઇધર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેચ્યુ દેખને કે मदुरै से पूरा लोग तमिलनाडु से पूरा लोग इधर आ गया। हमको पूरा खुशी हो गया। हमारा प्रधानमंत्री इतना काम कर दिया हमको तमिल वाला को इधर के बुला कुटीट वंदिरुक्कार यहाँ बुला के यहाँ बुला के आमंत्रित किया है। हाँ मंत्री का वो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी को प्रणाम, नरेंद्र मोदी भैया को प्रणाम। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा सौराष्ट्रना जे 500 वर्ष पहला अपना गुजराती भाइयों सौराष्ट्र छोड़ीने तमिल में रहवा गया था, ए परिवारों ने मैसूर में सौराष्ट्र तमिलना नामे ओळखाता आ अपना सौ गुजरातियों ने गुजरात दर्शन करावानुं जे आयोजन कर्युं। सोमनाथ एमने लई जवामां आव्या। सोमनाथ बाबा शंकरना दर्शन भोले बाबाना कर्या, ज्योतिर्लिंगना दर्शन कर्या, साथे कृष्ण भगवानना द्वारका में पण दर्शन कर्या। तेओ आजे परत आव्या छे वडोदरा उतरीने, त्यार पछी तेओ आजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जई रह्या छे। सौनी पासेथी एमनी राय लेवामां आवे एटला खुश छे ए लोको कि वडाप्रधान नरेन्द्र भाईए जे रीते आयोजन करीने
एमने गुजरात की धरती एटले के सोमनाथ दादा ना दर्शन अने कृष्ण भगवान दर्शन अने त्यार पछी अपना रजवाड़ा एक करवा वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल नी जे प्रतिमा छे त्यां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जोवा जवानुं એ ખુશ છે. ગુજરાતની રહેણી કહેણી, ગુજરાતનું ભોજન, ગુજરાતની અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો આ જોઈને તેઓ એટલા ખુશ છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને તેઓ ધન્યવાદ આપે છે અને એની સાથે સાથે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર આપ માને છે. કેમ કે જે ગુજરાતમાં તેઓ એન્ટર થયા અને જે જે સ્થાન સ્ટોપેજ હતા ત્યાં એમનું જે એ શહેરના એ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એમનું જે સ્વાગત કર્યું છે, એમને જે ત્યાંના અલગ અલગ નાસ્તા ખવડાવ્યા છે, જે આ બધું જોઈને એ લોકો એટલા ખુશ છે કે ગુજરાતમાં આવીને અમારું જે સ્વાગત થયું, અમને જે ગુજરાતની ધરોહર જાણવા મળી, ખરેખર ખુશ થઈને પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો તેઓ ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. ધન્યવાદ.